ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री राम सिद्ध प्रभु भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री राम चरित्र कीर्तन एक लघु काय ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम उन सिद्ध प्रभु श्री राम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे जिनके बारे में हर कोई जानता है। अनेक तरह की रामायण इस संसार में प्रचलित हैं, लगभग 300 तरह की रामायणों के माध्यम से श्री राम का चरित्र गाया जाता है। ऐसे श्री राम का चरित्र कीर्तन करने के लिए, उनके गुणों का गान करने के लिए आज हम सभी लोग भी अपना मन बनाए हैं और यह मन बरेला के अंदर सर्वप्रथम बना है, जहां अनेक जैन अजैन सभी श्रावक इस मार्गशीर्ष माह में, जिसे हम अगहन का माह कहते हैं, इस माह में विशेष रूप से कुछ ऐसे आयोजन करने की भावना अपने आप बलवती हो जाती है। जब हम हिंदी तिथि के अनुसार इन मासों का कुछ विज्ञान समझते हैं, कुछ वर्णन करते हैं, तो उसमें मार्गशीर्ष माह का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र मास से वर्ष का प्रारंभ माना जाता है और चैत्र मास के उपरांत जब यह अगहन का मास आता है तो तब तक यह नौवां महीना कहलाता है। अगर आपने कभी महीने पढ़े हों तो आप गिन सकते हैं, चैत, वैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, और ये नौवें नंबर पर आता है अगहन। आपको पता नहीं होगा कि इसे अगहन क्यों कहते हैं। यह अगहन एक प्राकृत भाषा का नाम है जो बोली भाषा के रूप में जानी जाती है। अग्रगण्य इस शब्द से यह अगहन बनता है और इस अगहन शब्द से यह अगहन बोलने में आने लग जाता है। लेकिन इस महीने को सभी महीनों में एक श्रेष्ठ मास के रूप में माना जाता है
और जो लोग श्री राम से परिचित होंगे वो इस बात से भी परिचित होंगे कि यह वही महीना है जिस महीने में श्री राम और सीता का विवाह हुआ था। ये बात आप लोगों को संज्ञान में नहीं होगी, लेकिन इस माह की यह विशेषता है और इस माह की जो ये एकादशी आज तिथि है यह भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखने वाली तिथि कहलाती है। कई लोग इस तिथि को एक उत्पन्ना देवी की तिथि के रूप में मानते हैं, लेकिन हमारे लिए यह तिथि श्री राम की कथा को उत्पन्न करने वाली तिथि के रूप में हमारे सामने है, जो एकादशी तिथि के रूप में है। जब कुछ उत्पन्न हो और उस उत्पत्ति के माध्यम से जगत का कल्याण हो तो इस तिथि को उत्पन्ना तिथि के रूप में मनाया जाता है। आज यह तिथि आपके सामने इसी रूप में सार्थक हो रही है और इस रामचरित्र की कथा को आगे बढ़ाते हुए हम सर्वप्रथम 24 तीर्थंकर भगवान को और माँ सरस्वती को नमस्कार करके इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। 24 जिन राज को प्रणमु बारंबार, रामचरित वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार। सरस्वती माँ शारदे तुमको सुमरुआर, वीर प्रभु रखना मेरी लाज सभा में आ। श्री पद्म पुराणा धार से ही कुछ छंद बनाना चाहती हूँ, यदि भूल कहीं पर रह जाए गुड़ियों से क्षमा चाहती हूँ। जिस वंश में हुए आदि प्रभु जी भरतीश आदि वैभव धारी, उस कुल में राम ने जन्म लिया दशरथ ग्रह में भव दुखहारी। अवधेश कौशल्या के श्री राम हुए लक्ष्मण की सुमित्रा थी माता, शत्रुघ्न सुप्रभा के सुत थे कैकेयी के भरत सुखदाता। जिस वंश में हुए आदि प्रभु जी आदिनाथ भगवान ऋषभ देव जिनकी गौरव गाथा विष्णु पुराण में शिव पुराण में उपलब्ध होती है, और जिन ऋषभ देव को प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है वह इच्छाकु वंश के सर्वप्रथम महापुरुष थे। उसी इच्छाकु वंश का यह चलन यह प्रचलन अनेक तीर्थंकरों से होता हुआ मुनिसुब्रतनाथ भगवान तक पहुंचा, और मुनिसुब्रतनाथ भगवान के काल में यह श्री राम राजा दशरथ के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए यह बात सभी को ज्ञात है। श्री राम इच्छाकु वंश के ही वंशज थे और जिस कुल में स्वयं भगवान ऋषभ देव उत्पन्न हुए थे उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती उत्पन्न हुए, उनके दूसरे पुत्र बाहुबली उत्पन्न हुए, जिन भरत के नाम पर यह देश भारत देश के नाम से जाना जाता है, ये सभी इच्छाकुवंशी क्षत्रिय महापुरुष थे और उन्हीं क्षत्रिय वंशियों की परंपरा में यह श्री राम राजा दशरथ के पुत्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। वह राजा दशरथ जिनकी चार रानियां हैं कौशल्या सुमित्रा कैकेयी और सुप्रभा। आपको जब भी यह रामायण सुनने का भाव आए आप अपने दिमाग को खुला रखना, अपने विचारों को अनेकांतमय विचार करके रखना,
कभी भी हमें भगवान के विषय में एक धारणा बना करके नहीं चलना। दुनिया में अनेक ऋषि मुनि हुए, अनेक तरह की परंपराएं हुई और अनेक भाषाओं में यह रामायण लिखी गई। उन्हीं भाषाओं में एक पौम चरियु करके प्राकृत भाषा में भी जैन संप्रदाय के अंदर यह रामायण का व्याख्यान किया जाता है और फिर उसी के उपरांत रविशयन आचार्य के माध्यम से एक पद्म पुराण की भी रचना हुई, जिनके माध्यम से पूरा श्री राम का चरित्र पद्म पुराण में वर्णित किया गया। भगवान के विषय में अनेक अनेक तरह की कथाएं प्रचलित हो सकती हैं, लेकिन सुधी जनों को हर कथा को अच्छे ढंग से श्रवण करना चाहिए और सुधी जनों को कभी भी भगवान के विषय में ऐसा आग्रह नहीं बनाना चाहिए कि नहीं ये तो ऐसा ही था ऐसा नहीं था। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कभी आपको भगवान की कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। अनेकांत विचारधारा से हम जाने तो कि उन श्री राम के बारे में और भी लोग क्या सोचते हैं। जो श्री राम की कथा रामायण के रूप में टीवी में दिखाई गई वो भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे पहलू हैं, बहुत से ऐसे कथानक हैं जो उस टीवी के माध्यम से नहीं दिखाए गए, जिनके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं हुआ। अगर ऐसे लोग उत्सुक होकर के इस कथा को सुनने की इच्छा करेंगे तो उन्हें बहुत ज्ञान मिलेगा और उनके मन के अंदर श्री राम की और अनेक अनेक विशेषताएं ज्ञान में आएंगी। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी तरह का आग्रह नहीं रखना, अपने मन के अंदर ये विचार रखना कि जो यहाँ बताया जा रहा है ऐसा भी प्रचलित है, ऐसा भी होता आया है और यह भी हमारे लिए एक नई बात सुनने को मिली है। ऐसा आप अपने अंदर जब अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे तो आपको बहुत आनंद उत्पन्न होगा। इसी आनंद को उत्पन्न करने के लिए अनेकांतिक दृष्टिकोण से जैन रामायण के अनुसार हमें भगवान श्री राम का चरित्र सुनने के लिए यह एक मौका मिला है। और इस मौके पर जब हम ये देखते हैं कि उन अयोध्या नगर के अधिपति राजा दशरथ के ये कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा जैसी ये चार चार महारानियां थीं, उनमें कौशल्या के माध्यम से श्री राम की उत्पत्ति हुई, लक्ष्मण की उत्पत्ति सुमित्रा माँ से हुई, शत्रुघ्न सुप्रभा माँ से उत्पन्न हुए और कैकेयी से भरत की उत्पत्ति हुई। और ये चारों महापुरुष जिनके नाम आप सब लोगों को परिचित हैं, ये सब अच्छे धनुर्धर थे, अच्छे शास्त्रों के ज्ञाता थे, समाज की मर्यादाओं में चलने वाले थे, इसलिए यह इच्छाकु वंश के क्षत्रिय पुरुष कहलाते थे। और क्षत्रिय पुरुष का मतलब होता है जो समाज की, लोक की मर्यादाओं को ध्यान में रख करके सब कुछ छोड़ने की क्षमता रखता हो उसे क्षत्रिय कहा जाता है। जो अपने स्वार्थों में नहीं जीता हो, परोपकार के लिए जीता हो, जो लोक और समाज को ध्यान में रख करके कोई भी बड़ा निर्णय अपने स्वार्थों को छोड़ करके लेने की क्षमता रखता हो, इतना उदार मना जो होता है, इतना साहस जिसके अंदर होता है, वह क्षत्रिय पुरुष कहलाता है। ऐसे क्षत्रिय पुरुष श्री राम की कहानी आपके सामने आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। चारों सुपुत्र थे लासानी, अद्भुत बल विक्रम के धारी, मनमोहन रूप देख करके मोहित होती दुनिया सारी। मर्यादा पालन हारे थे, पुरुषोत्तम चरम शरीरी थे, सम्यक दर्शन श्रद्धानी थे, जिन राज चरण अनुरागी थे। मिथिलापुर राजा जनक सीय पिता कहलाए, रानी विदेहा नाम की उनकी कथा सुनाए। ओ भामंडल और जानकी की जुड़वा संतान, शत्रुदेव भामंडल ही बाल चुराया आन। यह कथा जहां पर एक तरफ चल रही है, वहीं पर दूसरी ओर थोड़ा सा सीता का परिचय करने के लिए मिथिलापुरी चलते हैं,
जहाँ के राजा जनक हैं, उनकी विदेहा नाम की रानी हैं और उनके युगल संतान की उत्पत्ति हुई है। वह युगल संतान जिनके नाम भामंडल और जानकी के रूप में हैं, लेकिन उस युगल संतान की उत्पत्ति होते ही उनके घर में एक बहुत बड़ा शोक छा जाता है, एक मातम छा जाता है। क्या होता है? जैसे ही सीता की उत्पत्ति और भामंडल उनके भाई की उत्पत्ति होती है, तो वह उस पुत्र को उत्पन्न होते ही एक शत्रुदेव उसका हरण कर लेता है और वह शत्रुदेव उस बालक को उठा करके ले जाता है कुछ पूर्व जन्म के बैर के कारण से। और जब घर में पता पड़ता है कि इस बालक को कोई देव ले गया है, ये बालक का मुख भी मां नहीं देख पाई और इससे पहले इसका हरण हो गया है, तो उस समय पर वह रानी विदेहा विलाप करती है, रोती है कि बहुत मुश्किल से तो हमें संतान की प्राप्ति हुई और उस संतान में भी मैं अपने पुत्र का मुख नहीं देख पाई। मैंने ऐसे कौन से पूर्व जन्म में कर्म किए जिसके कारण से मुझे अपने पुत्र का जन्म लेते ही वियोग सहन करना पड़ा। ऐसा विचार वह करती है और इधर वह पुत्र कौन हरण करके ले जाता है, कैसे उस पुत्र का कहां पर निर्वाह होता है, ये आगे की घटना आपके सामने आ रही है। ले जाके वनी में पटक दिया, वहां रथ नुपुर राजा आया, विद्याधर चंद्र गति नामक जो उठा बाल निज घर लाया। राज पहुंच जन्म सब करके नाम रखा था भामंडल, और इधर जनक जी ढूंढ रहे सब छान लिया था भूमंडल। पुत्र मिला कहीं पर नहीं, लुटा दिया सबको, हार मान कर सिया पर ही कीना संतोष। अनुपम उसका रूप गुण बोले तुतले बैन, मात पिता हर्षित हृदय देखे भर भर नैन। वो कभी चले कभी गिर पड़े, कभी हंसे कभी रो, नर नारी मोहित हुए छवि मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। यह कथानक जब आगे बढ़ता है, एक विद्याधर राजा होते हैं और वह विद्याधर राजा जो रथनुपुर का राजा है, जिसका नाम है चंद्रगति, जब वह शत्रुदेव उस बालक को उठा करके ले जाता है, तो उसके बाद वह उस बालक को मारने की इच्छा करता है। पूर्व भव से उसका बैर था। उसके मन में एक बार विचार आया कि मैं इस बालक को तुरंत इस पत्थर पर मार कर पछाड़ करके इसको मार डालूं, लेकिन उस बालक के पुण्य के कारण से उसके मंगल रूप को देख करके उसके भाव बदल गए और वह सोचने लगा कि मैं देव होकर के इस जघन्य काम को क्यों करूं। एक सामान्य व्यक्ति भी कभी निहत्थे व्यक्ति पर वार नहीं करता, अबला स्त्रियों पर वार नहीं करता, कभी नन्हे मुन्ने बालकों को मारता नहीं है, क्योंकि इनको मारने का बहुत बड़ा पाप कहलाता है, और मैं देव होकर के आज इस बालक को मारने का भाव कर रहा हूं,
ऐसा विचार करके वह उस बालक को मारने का भाव बदल देता है, लेकिन उसने मारने के लिए वो बालक का हरण किया था। सोचता है इससे मेरी शत्रुता है, मैं इससे अपनी शत्रुता को इसी रूप में पूरा कर लेता हूं कि मैंने इसके माता पिता से इसका वियोग करा दिया, अब मैं इसको इसके हाल पर छोड़ देता हूं। और उस देव ने एक विद्या उसके अंदर प्रवेश करा दी, जिस विद्या के माध्यम से वो बालक बिल्कुल हल्का हो जाता है, जिसे पर्ण लघ्वी विद्या कहते हैं। पत्ते के तिनके की तरह वह बालक हल्का हो जाता है और वह बालक ऊपर से वह गिरा देता है, उस बालक को कुछ नहीं होता अगर वो नीचे भी आ जाता उस विद्या के कारण से। लेकिन उस बालक के पुण्य के कारण उसे उस रत्नुपुर के राजा विद्याधर चंद्रगति ने उसको बीच में ही थाम लिया और उस बालक को बीच में ही अपनी गोदी में ले लिया और उसे उठा करके अपनी रानी के पास ले गया, जिस रानी के लिए कभी पुत्र नहीं उत्पन्न होता था, उसके लिए कोई संतान नहीं थी, उसके लिए जाकर के उस बालक को दे दिया। रानी से कहा, लो तुम्हारे लिए आज देवो पुनीत रत्न लाया हूं, देवो पुनीत यह बालक लाया हूं, यह बालक आपके लिए उत्पन्न हुआ है, यह आपका बालक है। रानी सोचती है हमें तो पहले से ही पता है कि हमारे लिए कभी गर्भ ठहरने वाला नहीं है, हमारे लिए कभी पुत्र उत्पन्न होने वाला नहीं है, आप हमारा मजाक क्यों बना रहे हैं। तो वह चंद्रगति विद्याधर राजा कहता है किसी का भी पुण्य कभी भी किसी के सामने आ सकता है, ऐसा विचार मत करो कि तुम्हारे लिए पुत्र नहीं हो सकता, हो सकता है कि तुम्हारे लिए गर्भ से पुत्र नहीं हो सकता, लेकिन देवों के माध्यम से तुम्हारे लिए पुत्र की उत्पत्ति हो सकती है, ये वही देवोपनीत पुत्र तुम्हारे सामने लेकर के आया। जब उस पुत्र को वह रानी देखती है, विचार करती है कि यह पुत्र तो बहुत सुंदर है, इसके दोनों कानों में ये बड़े बड़े कुंडल कहां से आ गए, जो कुंडल उस देव ने उस बालक को पहना करके उसे ऊपर से छोड़ा था, उस पर्ण लघ्वी विद्या के साथ छोड़ा था। और उस समय पर जब उस राजा ने चंद्रगति ने उस बालक को ग्रहण कर लिया, वह अपनी पत्नी के पास लाया, तो वह रानी कहती है इसका नाम क्या रखा जाए। उनके कुंडलों की आभा को देख करके, देव के द्वारा दिए गए उस कुंडल की सुंदरता से जिसका मुखमंडल बहुत ही झिलमिला रहा है, आभा जिसकी बढ़ रही है, सुंदरता जिसकी बढ़ रही है, ऐसे उस पुत्र को देख करके, उसके आभा मंडल को देख करके उसका नाम उन चंद्रगति विद्याधर और उसकी पत्नी ने भामंडल उनका नाम घोषित किया, उसका नाम भामंडल रखा गया। ये भामंडल कौन है? सीता का भाई है। देखें आप कैसी कैसी परिणतियां जीव की होती हैं। और जब उसका वह नाम रख दिया गया, ये नाम तो उन्होंने गुप्त रूप से रख लिया, लेकिन रानी को पुत्र हुआ है इस बात का समाचार पूरी नगरी को देना है, इसलिए यह घोषणा की गई कि रानी प्रसूति गृह में है और वह प्रसूति गृह में चली गई। दूसरे दिन बालक की उत्पत्ति दिखाई गई और उस चंद्रगति राजा ने पूरे नगर में पुत्र का उत्सव मनाने के लिए पूरे नगर को आमंत्रित किया और पूरे नगर में यह उत्सव मनाया गया कि एक प्रच्छन्न गर्भ के माध्यम से रानी के लिए यह पुत्र की उत्पत्ति हुई है। यह गर्भ कई तरह के होते हैं। प्रच्छन्न गर्भ का मतलब होता है जो गर्भ किसी को दिखाई ना दे लेकिन गर्भ में बालक रह जाता है, ऐसी घोषणा की गई। और उस प्रच्छन्न गर्भ के माध्यम से यह पुत्र की उत्पत्ति हुई है, ऐसा नगर में समाचार दिया गया, पुत्र का उत्सव मनाया गया और सभी लोगों ने उन भामंडल के उत्सव में शामिल होकर के पूरी नगरी में आकर के राजा को बधाई दी। और उस जन्मोत्सव के बाद में जब उसका नाम भामंडल रख दिया गया, ये कार्य तो हो रहा है
विजयार्थ पर्वत की श्रेणी पर रहने वाले विद्याधर के नगरों में। अब आपको अगर इस लोक की संरचना का कुछ ज्ञान हो तो आपको ये सब चीजें समझ आए। जहां ये अयोध्या है, मिथिलापुरी है, ये भरत क्षेत्र है, ये भूमि गोचरियों की ये स्थान कहलाते हैं, और ये जो विद्याधर होते हैं ये विद्याओं के माध्यम से आकाश में उड़ाने भरते हैं, विमानों में चलते हैं, विद्याओं के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे विद्याधर के हाथ ये बालक लग गया और वहां इसका पालन पोषण होने लगा। इधर सब जगह पर ढूंढने के लिए, इस बालक के लिए अनेक तरह के राजाओं ने राजा जनक की सहायता की, और स्वयं राजा जनक के दशरथ जी मित्र थे, उन्होंने दशरथ जी के पास में समाचार पहुंचाया कि मेरे पुत्र को कोई हरण करके ले गया है, और उस समाचार के माध्यम से राजा दशरथ भी दुखी हुए और उन्होंने अपनी सेना भेज करके, अपने सामंतों को भेज करके चप्पा चप्पा छान डाला, लेकिन इस भारत भूमि पर कहीं पर भी वह बालक का कोई भी पता नहीं लगा, क्योंकि वो बालक कहाँ पहुंच चुका था, देवों और विद्याधरों के माध्यम से विजयार्थ की श्रेणियों पर पहुंच चुका था। वहां पहुंचना सामान्य व्यक्तियों का काम नहीं होता, तो उसी को यहां पर आगे इस कथानक के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, पुत्र मिला कहीं पर नहीं, लुटा दिया सब कोस, हार मान कर सिया पर ही की ना संतोष। उन जनक जी ने जब सब कुछ देख लिया, कहीं पर भी वह पुत्र नहीं मिला, तब उन्हें संतोष करना पड़ा। किस पर? जो अपनी बेटी एक बची रह गई है, जिस बेटी का नाम था सिया, सिया माने सीता, उस सीता बेटी पर ही उन्होंने संतोष किया, और फिर उसी को उन्होंने लाड़ प्यार से पाला पोसा और उसी को आगे बढ़ाया। अनुपम उसका रूप गुण, बोले तुतले वैन, मात पिता हर्षित हृदय, देखें भर भर नैन, कभी चले कभी गिर पड़े, कभी हंसे कभी रोय, नर नारी मोहित हुए, छवि निराली जोय, बीते दिन बीते वर्ष और यौवन ने रंग जमाया है, आजन के दुलारी आनन पे कुछ रूप सवाया छाया है, सीखी है 16 विद्याएं और कला सभी मन मोद भरे, संगीत नृत्य और चित्रादि जो देखे वो ही मौन धरे, सम्यक दर्शन चारण हारी छवि देख सची शर्माती है, वह देख पिता को फिक्र हुई, पुत्री वर योग कहती है, वह सीता बड़ी हो जाती है, और जब बड़ी हो जाती है तो बड़े होते होते उसे अपने राजमहल में ही सब विद्याओं का ज्ञान करा दिया जाता है, 16 विद्याओं में वो इसे निपुण बना दिया जाता है, सभी 64 कलाएं जो स्त्री की होती हैं उनमें वह निपुण बन जाती है, संगीत जानती है, नृत्य जानती है, चित्र बनाना जानती है, सब तरह की उसे फैशन डिजाइनिंग के कोर्स अपने आप आ जाते हैं, सब तरह की उसे पाक शास्त्र की कलाएं आती हैं, और सब तरह का वह विज्ञान, चाहे वो ज्योतिष का हो चाहे वास्तु का हो, वह सब विज्ञान उसके ज्ञान में उसे आ जाता है। और इसे देख करके सची जो स्वर्ग के इंद्र की इंद्राणी होती है, वह भी उसे देख करके उसके रूप को, उसके यौवन को देख करके शर्माती है और विचार करती है कि यह सम्यक दर्शन को धारण करने वाली इस पिता की यह पुत्री कितनी सौभाग्यवती है, जिसके कारण से पूरे नगर में, पूरे राजमहल में हमेशा सबके लिए आनंद बना रहता है, लेकिन बेटी को बड़ा होते देख करके पिता के मन में चिंता उत्पन्न होती है, और होनी भी
चाहिए। जब बेटी बड़ी हो जाती है, माता पिता उसका पालन कर लेते हैं, और जब उसे देखते हैं कि यौवन संपन्न हो गई है, तो हर माता पिता के मन के अंदर सबसे प्रथम विचार आता है कि इस बेटी के लिए उचित वर की तलाश की जाए। किसकी? सुन रहे हो, अगर आप क्षत्रिय वंश में जन्म लिए हो, इक्ष्वाकु वंश के इन महापुरुषों का चरित्र सुन रहे हो, तो अपने चरित्रों को संभालना और अपने चरित्रों की इनसे तुलना करना। इन महापुरुषों की गुणगाथा इसीलिए गाई जाती है कि ये कभी भी सब प्रकार के रूप, सब प्रकार के ज्ञान, विद्याएं, कलाएं सबसे संपन्न होने पर भी कभी भी मदमस्त होकर के अहंकारी नहीं बनते, कभी भी लोक मर्यादाओं के विपरीत नहीं जाते, और सब प्रकार के पुण्य को धारण करके भी ये धर्म भाव के साथ, कोमल हृदय के साथ अपने उस पुण्य को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। इस कारण से ऐसे महापुरुषों का गुणगान किया जाता है। आज हमें जितना राम के चरित्र के प्रति अनुराग रहता है, उतना ही हमारे अंदर सीता के चरित्र के प्रति भी अनुराग होना चाहिए। अगर सीता के चरित्र के प्रति भी अनुराग इस महिला समाज के अंदर, स्त्री समाज के अंदर, नारी शक्ति के अंदर आने लग जाए, तो यह देश आज भी उसी तरह का भारत देश बन सकता है, उसी तरह का यह काल आज भी दिखाई दे सकता है जैसा राम राज्य में रहा करता था। आज भी यह राम राज्य आपके सामने आ सकता है। जरूरत है हमें इन चरित्रों से अपना चरित्र संभालने की, इन चरित्रों के आईने में अपना चरित्र देखने की। और जब हम इस तरह से देखते हैं कि सीता बड़ी हो गई है, लेकिन उसके बारे में चिंता सीता खुद नहीं कर रही है, कौन कर रहा है? चिंता हमेशा बेटी की माता पिता को रहा करती है। ये बात नहीं है कि जिन बेटियों को लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, वह बेटियां सोचें कि यह मेरा जीवन है, मेरे जीवन का अधिकार मेरे लिए है, आप मेरे जीवन के बारे में निर्णय लेने वाले कौन होते हैं। इस तरह की जो बेटियां बातें करती हैं, इसका मतलब है कि उन्हें अपनी माता पिताओं की भावनाओं का, उन्हें अपनी माता पिता के प्रति सम्मान का कोई ख्याल नहीं है। ये वचन बताते हैं कि अगर हमारे अंदर अपने से बड़ों के प्रति सम्मान नहीं होगा, उनके प्रति भावनाएं हमारी जुड़ी हुई नहीं होंगी, तभी हमारे अंदर से इस तरह की बातें निकलती हैं। अन्यथा कुलीन जो स्त्रियां होती हैं, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई जो स्त्रियां होती हैं, वो कभी अपने माता पिता से कुछ भी दुर्व्यवहार या दुर्वचन नहीं बोलती, और कभी भी अपने माता पिता के सामने ऐसा नहीं कहती कि मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले आप कोई नहीं है। भले ही कानून आपके लिए बने हुए हों कि 18 वर्ष के बाद में आपके लिए कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, आप अपना निर्णय ले सकती हैं, लेकिन वो कानून आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। उन कानूनों से आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। जिंदगी चलेगी जब हम माता पिता के बात मान करके, माता पिता को ही आगे रख करके, माता पिता को सम्मान देते हुए हम अपना आगे का जीवन, अपना आगे का वर, उसका निर्णय करें, तभी इस जीवन में सुख और शांति आ सकती है। और जो महिलाएं इस तरह से विवाहित होकर के अपना जीवन जीती हैं, वो आज भी सुख शांति पूर्वक जी रही हैं, और जिन्होंने कुछ भी अपने तरह से कार्य किए हैं, वो लोग आज भी दुखी हैं, आगे भी दुखी रहेंगे। ये ध्यान रखना, भारतीय संस्कृति में माता पिता को अधिकार होता है कि वह अपनी बेटी के लिए उचित वर का चयन करे, और वह वर का चयन करने के लिए बेटी को भी स्वतंत्र छोड़ा जाता है। कैसे छोड़ा जाता है, आप देखिए, इस कथानक से आपको ज्ञात होगा। उसी समय का जिक्र है, म्लेच्छों का सरदार आया दक्षिण देश से लेकर सैन्य अपार। नगर उजाड़े बहुत से मिथिलापुर में आन, जनक राय को युद्ध का दे दीना ऐलान। क्या होता है, जहां राजा जनक राज्य करते हैं, उसी मिथिलापुरी में
जो विजयार्थ पर्वत हैं और भरत क्षेत्र है, उन दोनों के बीच में अनेक मिलेच्छ राजाओं के राज्य भी रहते हैं, और वह मिलेच्छ राजा उन राजा जनक के राज्य में आकर के अनेक तरह का आतंक मचाने लग जाते हैं। जो लोग धर्म कर रहे होते हैं उन्हें हर तरह से परेशान करते हैं, हर तरह से वह अपना आतंक वहां पर फैलाते हैं, लोगों के साथ में लूटपाट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। जिस तरह से कोई निम्न लोग आचरण करते हैं, वैसा ही वह मिलेच्छ राजा उन आर्य पुरुषों के बीच में घुस करके उनके धर्म कर्म की व्यवस्था को सब नष्ट भ्रष्ट करने लगे। और उस समय पर जनक राज्य को उन्होंने युद्ध का ऐलान भी कर दिया कि अगर आप में हिम्मत है तो हमसे आकर के लड़ लो। किन्होंने? मिलेच्छ राजाओं ने। अब देखो आगे क्या होता है। तब अवधपुरी से मदद हेतु बुलवाए राम जनक जी ने लक्ष्मण भ्राता संग सैन्य दिए भेजे तुरंत दशरथ जी ने। श्री जनक राय ने युद्ध मध्य में मात करारी खाई है, लेकिन लक्ष्मण के बाणों से राक्षस की मत घबराई है। श्री राम का धनु टंकार सुना सब कांप कांप कर भाग गए। कर विजय प्राप्त दोनों भाई श्री जनक राम के चरण गए। क्या होता है? देखो, दो अलग अलग प्रांतों के राजा हैं और उनके परिवारों में आपस में संबंध कैसे बनते हैं। एक तरफ राजा जनक हैं, एक तरफ राजा दशरथ हैं। राजा जनक और दशरथ दोनों मित्र हैं। जब राजा जनक के ऊपर ये आपत्ति आई कि मिलेच्छों के ये सरदार उनके लिए चैलेंज देने लग गए कि युद्ध कर लो, तो उनके लिए लगा कि मुझे अब सहयोग की जरूरत है, तो उन्होंने राजा दशरथ के पास में अपने मंत्रियों को भेज करके उनसे सहयोग मांगा। और उस समय पर राजा दशरथ उनका सहयोग करने के लिए स्वयं युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए, वे चलने लगे। और उस समय पर उन्होंने अपने बड़े पुत्र श्री राम के लिए राज्य देने के लिए घोषणा कर दी कि कल राज तिलक करूंगा रामचंद्र जी का, और मैं स्वयं युद्ध करने के लिए जाऊंगा, यहां का राजभार राज श्री राम संभालेंगे। ऐसा विचार जब राम जी को पता पड़ा तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो वह राजा दशरथ कहते हैं, ये दुष्ट लोगों ने आकर के राजा जनक के देश में उत्पात मचा रखा है, इनको विनष्ट करने के लिए, इनका शमन करने के लिए मुझे युद्ध करने के लिए जाना है। तो उस समय पर श्री राम कहते हैं, मेरे जैसे पुत्र होते हुए अगर आप पिता को युद्ध करने के लिए जाना पड़े तो फिर मेरे पुत्र होने का औचित्य क्या रहा? और अगर दुष्टों से लड़ने के लिए जिन्हें आप बड़े राजा कह रहे हैं वो सब तुच्छ लोग हैं, निम्न लोग हैं, उनसे लड़ने के लिए आपकी जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए शेर को जाने की जरूरत नहीं है, सिंह का बच्चा ही उनके लिए पर्याप्त है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उनसे लड़ने जाऊंगा। ये बात जब उन्होंने दशरथ जी से कही तो श्री राम की बात को दशरथ जी ने सुना और माना, और उन्हें लगा कि बेटा योग्य तो हो गया है, लेकिन अभी तक इसने कभी युद्ध नहीं किए, ये युद्ध में जाएगा कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो उनको बार बार वो समझाते हैं, बेटा सामान्य राजाओं से युद्ध करना अलग है और दुष्ट राजाओं से युद्ध करना अलग बात होती है। ये दुष्ट ना जाने किस तरह की दुष्टताएं दिखाएं, किस तरह की चालबाजियां करें, ये अभी तुम्हारे लिए ज्ञान में हो ना हो, कहीं हमारे लिए अनहोनी ना हो जाए, मुझे डर लगता है, और ऐसे दुष्टों के लिए तो युद्ध करना हमारे लिए ही अच्छा लगेगा। लेकिन श्री राम ने कहा, नहीं, आपके लिए युद्ध करने की जरूरत नहीं है, युद्ध करने में हम समर्थ हैं, हमारा भाई समर्थ है, और एक बार आप हमें आज्ञा दें कि हम इन दुष्टों का संहार करके आए,
जब उनके कॉन्फिडेंस को राजा दशरथ ने देख लिया, बार बार हर तरह से उन्होंने भांप लिया, तब जाकर के राजा दशरथ ने श्री राम को आदेश दिया और श्री राम लक्ष्मण जी के साथ उन जनक के राज्य में पहुंचे। और वहां जाकर के जब देखा तो उस समय पर उन जनक जी को और उनके भाई का नाम था कनक, उन कनक राजा को भी उन म्लेच्छ राजाओं ने, उनके सरदारों ने घेर लिया था। और उनको छुड़ाने के लिए लक्ष्मण जी ने जब अपने बाण चलाए तो वो सारे राजा तहस नहस हुए, वो सारे राजा इधर उधर भागे। और फिर जाकर के उन रामचंद्र जी ने भी उन सरदारों से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में जब वह सारी सेना इधर उधर तितर बितर हो गई और राजा जनक के लिए यह विश्वास दिला दिया गया कि यह म्लेच्छों की सेना अब कभी भी आंख उठा करके आपके राज्य में देखेगी नहीं, इतना उनको दूर तक भगा दिया गया, तब जाकर के वह दोनों राम और लक्ष्मण राजा जनक के पास पहुंचते हैं और उनकी रक्षा भी की। लेकिन अपने से बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, तो उनके चरणों में नमस्कार भी करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। और बड़ों का सम्मान करके जो आशीष मिलता है, जो उनका वरदान मिलता है, जो उनसे कृपा मिलती है, उसके माध्यम से उनका सौभाग्य बढ़ता है। देखो क्या होता है, आशीष दीनी बहुत सी, हर्षित हुए अपार, पुत्री सियावर योग्य है रामचंद्र सुकुमार। दीनी कीनी राम को जोड़ी बनी महान, राम लखन ने अवध को शीघ्र ही किया प्रयाण। उस समय पर राजा जनक ने विचार किया, इन पुत्रों ने, राजा दशरथ ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, मेरे देशवासियों को बचाया, मुझे बचाया, इस उपकार का बदला प्रत्युपकार के रूप में कैसे चुकाया जाए। वो विचार करते रहे कैसे इनका प्रत्युपकार किया जाए, क्या इनको दिया जाए। तब राजा जनक के मन में विचार आता है, ये योग्य राजकुमार हैं, सुकुमार हैं, रूपवान हैं, शूरवीर हैं, और हमारी कन्या वर योग्य हो गई है, बड़ी हो गई है। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये कन्या, इस सीता का विवाह राम के साथ किया जाएगा। और इस तरह का उन्होंने विचार कर लिया, दशरथ जी के पास भी संदेश पहुंचा दिया, लेकिन अभी विवाह हुआ नहीं, ये विचार हुआ है अभी। सुन रहे हो आप लोग, क्या सुन रहे हो, कैसे विचार किए जाते हैं। और जब ये विचार आगे बढ़ता है तो बीच में क्या हो जाता है, क्योंकि श्रेयांसी बहुंसी विघ्नानी, अच्छे कार्य में अनेक विघ्न आते हैं, और जब भी इस तरह के विघ्न आते हैं तो इन विघ्नों के माध्यम से ही उन महापुरुषों के धैर्य की, पराक्रम की परीक्षा होती है। और इस तरह के विघ्नों को जीत लेने के बाद ही उनका शौर्य प्रकट होता है, तब जाकर के जगत में उनकी जय जयकार होती है। इसलिए विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जब भी आपके जीवन में विघ्न आते हैं, इन महापुरुषों के जीवन में भी देखो कि विघ्न आते हैं। और दोनों राजा जनक और राजा दशरथ चाहते हैं, हाँ अच्छा है तुम्हारी बेटी का मेरे बेटे से विवाह हो जाए, तुम्हारे बेटे का मेरी बेटी से विवाह हो जाए, लेकिन उस विवाह के बीच में भी बहुत कुछ परीक्षा देना अभी शेष है। वो क्या होता है, यहां पर आपके लिए बताया जा रहा है, अनेक तरह के शास्त्रों में नाम मिलते हैं, और उन नामों के माध्यम से आप लोग ऐसा नहीं समझ लेना कि ये नाम हमारे यहां पर या हमारी किसी दूसरी रामायण में उन नामों का कोई व्यक्ति है तो ये वही व्यक्ति है। कई बार ऐसा होता है एक नाम के कई पात्र सामने आते हैं, और उस नाम का हम ऐसा अर्थ ना ले लें
कि हमारे यहाँ पर इस नाम के माध्यम से तो बहुत कुछ अलग कहा जाता है, आपके यहाँ पर इस नाम के माध्यम से कुछ अलग कहा जा रहा है। आप ये विचार करें, जो आपके यहाँ पर नारद ऋषि हैं वो अलग हैं, और यहाँ पर जो ये नारद का वर्णन किया जा रहा है वो नारद अलग हैं। इन दोनों को अगर हम अलग अलग मान करके चलेंगे तो हमारे लिए समझ में आएगा कि उस समय पर भी अनेक पात्र हुआ करते थे, और उन पात्रों का एक अलग तरह का एक कथानक हमारे सामने आ रहा है, जो प्रचलित रामायण है जिसे वाल्मीकि रामायण के माध्यम से सुना जाता है, उनमें इस तरह का कथानक नहीं उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि बीच में एक नारद मुनि का वर्णन आ रहा है। ये नारद मुनि वो नहीं है जिन्हें आप जिस तरह से नारद मुनि समझते हैं, यहाँ के ये पात्र अलग हैं, ये बात अपने दिमाग में रखना। नारद मुनि कलह प्रिय उनकी सुनी बयान, राम गुणों पर मुक्त हो आए अवध महान। सुन सीता संबंध को सोचे बारंबार, क्या जाने कैसी लली है वह जनक दुला। ये बात नारद के पास में पहुंचती है कि ये पता नहीं ये कौन सी सीता है, कैसी है, जिसका संबंध राम से होने वाला है, और ऐसी बातें बहुत जल्दी हवा की तरह फैलती हैं। नहीं समझे, मग्नी होने से पहले भी अगर किसी की बात भी चलना शुरू हो जाए, कोई आपस में विचार भी करना शुरू कर दे, तो ये बातें हवा से भी तीव्र गति से फैलती हैं। और ऐसी बात ये अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपस में राजा जनक और दशरथ ने विचार किया ही था कि ये बात नारद जी के पास में पहुंची, और फिर उस समय पर देखो क्या होता है, वो सीता को देखने पहुंचते हैं। हमने अभी तक सीता को देखा ही नहीं, जिन रामचंद्र जी से सीता का विवाह होना है वो सीता लाडली कैसी है, वो सीता लली कैसी है, उसको देखने के लिए वह वहां पहुंचते हैं। देखो सिया की मैं सुघराई, जाके देखो सिया की मैं सुघराई, जिसको वर ने जाहि श्री रघुराई, जिसको वर ने जाहि श्री रघुराई। श्री राम बड़े गुणवान और बलधारी, यह देखो जाकर योग्य भी है सुकुमारी। चल दिए गगन मग फौरन वीणाधारी, चुपके से पहुंचे सीता महल मझारी। सीता दर्पण के पास तभी थी आई, नारद छवि देखी भूल गई चतुराई। था जटा जूट को पीन सुशोभित बाना, नहीं देवर्षि को सीता ने पहचाना। भय खाकर फौरन माता के ढिंग आई, कह हाय गिरी सीता को मूर्छा आई। गिर गए अचानक मुनि महलों में आई, कठिनाई से उन अपनी जान बचाई। क्या हुआ, तो समझ आ रहा है, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम जो भी ले इनका नाम, जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्या नंदन कहलाए। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्या नंदन कहलाए। इच्छा कु वंशज की शान, क्षत्रिय वर्णी जगत महान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। क्या होता है, कथानक आगे बढ़ता है, नारद जी सीता के महल में पहुंचते हैं और सीता नारद को जानती नहीं। इनका काम होता है कहीं भी अचानक से घुस जाना, और जब वे उनके महल में घुस गए वो डर गई। ये जटाजूटधारी थे, पहले इसने कभी उनको देखा नहीं था, और वह डर करके अपनी माँ के पास दौड़ के गई। और जब तक वह दौड़ के गई,
माँ के पास जाकर के इतनी घबरा गई कि मूर्छित हो गई, और उसकी मूर्छा को देख करके सभी महल के जो बड़े बड़े सामंत थे, योद्धा थे, वो आ गए कि किसने इसको डरा दिया। और देखा तो नारद जी को उन सामंतों ने पकड़ लिया। वो अपने अलग तरह की विद्या अपने पास में रखते थे, जैसे तैसे उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग किया और वहां से अपनी जान बचा करके भाग निकले, उड़ गए ऊपर, एकदम से पहाड़ पर चढ़ गए। और अपनी जान बचा करके जब वो भागे तो उनके मन में अब विचार आया कि देखो सीता ने मेरा अपमान कर दिया। और बस उनके मन में जब विचार आ गया कि सीता के कारण से मुझे आज मुंह की खानी पड़ी, मुंह की खानी बोलते हो ना, आज मुझे अपमानित होना पड़ा, आज मुझे अपनी जान बचा के भागना पड़ा, तो ऐसा विचार आते ही उनके मन के अंदर फिर एक अलग तरीके का भाव उत्पन्न होता है कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। और वो क्या करते हैं, बदला लेने का तभी नारद किया विचार, सीता जी के रूप का लीना चित्र उतार। क्या किया, जैसा उसका रूप था उसका एक चित्र बनाया, चित्रपट, एक अच्छा ड्राइंग करके चित्र बनाया उन्होंने, और उस चित्र को ले जा करके अब उनका काम क्या है, इनका काम है आपस में लड़ाने का, भिड़ाने का, कोई काम बन रहा हो तो बनने नहीं देने का। राम और सीता का विवाह कैसे हो सकता है जब तक मैं हूं, तो ये बात उनके अब मन में आ गई। और उनका अपमान हो ही चुका था तो अब उन्होंने सोच लिया कि एक किसी ऐसे समर्थ राजा के पास इस चित्र को ले जाना है जिसको देख करके मोहित हो जाए और सीता को उठा ले जाए, सीता का हरण हो जाए, या सीता उसको चाहने लग जाए, वह सीता को चाहने लग जाए और राम का संबंध सीता से न होने पाए। इस तरह का वह विचार करके वह रूप जो उन्होंने बनाया था चित्र के रूप में उसको ले जा करके वो देखो कहां ले जाते हैं, ले जा करके वह रूप पटल भामंडल को दिखलाया है। लगते ही मोहित हुआ और तन मन की सुधि विसराया है। कुछ देर बाद सुधि आने पर नारद से हाल पूछते हैं। वह सिया छवि वर्णन करके सब समाचार बतलाते हैं। कहां ले गए उस चित्र को, विद्याधरों का राजा, वह चंद्रगति विद्याधर का छोटा सा बालक अब बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि जैसे सीता जितनी बड़ी हो गई उतनी बड़ा वो भामंडल हो गया, लेकिन ना सीता ने कभी भामंडल को देखा ना भामंडल ने कभी सीता को देखा। थोड़ी व्यवस्था बनाया करो। और उस समय पर वह भामंडल जब उस चित्र को देखता है, उस छवि को देखता है, तो उस समय पर वह उसके रूप सौंदर्य को देख करके इतना मोहित, इतना मुग्ध हो जाता है कि उसे उसके अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुनो इधर, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये डेटिंग ऐप्स आज भले ही चल रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें पहले भी चला करती थी। किसी भी चित्र को देख करके किसी पर मोहित हो जाना और सब सुध बुध भूल जाना, ये काम पहले भी होता था, पहले इस तरह के चित्र चला करते थे। आज सब चित्र आपके दिमाग में आने से पहले आपके मोबाइल में आ जाते हैं, आप उसमें से सेलेक्ट करते हैं किससे हमें अपनी रिलेशनशिप बनाना है, किससे हमें डेटिंग करना है, किससे हमें अपना संबंध बनाने के लिए अपना पूरा प्रोफाइल उसके लिए मैच करके उसके सामने रखना है। ये सब चीजें आज जो चल रही हैं, जिसके कारण से ये पुत्र पुत्रियों के एक तरह से सील बिगड़ रहे हैं, ये इनके जो व्रत बिगड़ रहे हैं, इनका जो धर्म बिगड़ रहा है, ये सब आप ये ध्यान में रख करके चलें कि ये सब बिगड़ने के लिए हमने खुद अपने लिए इन मोबाइलों को तैयार किया है। और आज मोबाइल में जितनी ज्यादा सुविधाएं हैं उतनी बेटे बेटियों के लिए दुविधाएं बन चुकी हैं। जो बेटे बेटियां
इस तरह से इन मोबाइलों पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वेस्ट ही कहना पड़ेगा, जो टाइम वेस्ट करते हैं और उसके माध्यम से अपने दिमाग में अनेक तरह की फितूरियां फिर लाते हैं, और धीरे धीरे कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है लोग खतरों से खेलते हैं। ये सब खतरे हैं, लेकिन खतरों से खेलने का मन सबका चलता है। अगर कहा जाए कि लक्ष्मण रेखा है, इससे आगे पैर नहीं रखना, तो आपका मन मचलाएगा, देख के देखूं तो क्या होता है, समझ आ रहा है? इसी तरह से ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये तरह तरह के डेटिंग एप्स जिनके माध्यम से आपके लिए खतरा उत्पन्न होता है, आप फिर भी उसमें कभी ना कभी उसमें खेलने का मन बनाते हैं। और मैंने यहां तक देखा कि शादीशुदाएं महिलाओं के भी मन इस तरह के खेल करने में मन लग जाते हैं। बता रहा हूं आपको, अपने पास सब तरह के केस आते हैं। शादीशुदा महिलाओं के लिए भी, अरे महाराज मैं तो ऐसे ही खेल खेल में थोड़ा सा देख रही थी, खेल खेल में उससे बात करने लग गई, जब किसी दूसरे नंबर पे बात होने लगी, उसके पति को पता पड़ा तो पति को गुस्सा तो आएगा ही। अब पति को गुस्सा आएगा तो पति को, पत्नी को डांटेगा, अब डांट उसको सहन नहीं होती है। हमारे पास आती है, महाराज देखो ये मुझको डांटते हैं। क्यों डांटते हैं भाई? जब गलत काम करोगी तो कौन नहीं डांटेगा? अगर पति ही पत्नी के लिए नहीं कहेगा तो फिर कौन कहेगा? तब जब उसको कहा गया कि तुम्हें ऐसा खेल भी खेलने की क्या जरूरत है, तब वो मानी और तब उसने उस नंबर को ब्लॉक किया। उसके बाद उसने बातचीत करना बंद किया, लेकिन फिर भी जिससे कॉन्टेक्ट बन जाता है वो कहीं ना कहीं से नंबर उसके पास में घुमा घुमा करके आता है। ये बहुत बड़ी एक दिक्कत बन जाती है। एक बार आपका किसी भी अननोन पर्सन से किसी भी तरह का एक बार चैटिंग होने लगती है, कॉन्टेक्ट होने लग जाता है, किसी भी तरह के अगर आपने एक बार खेल खेल में भी प्रॉमिस कर लिए, तो समझ लेना अब जिंदगी आपके लिए खिलवाड़ बन सकती है, जिंदगी आपके लिए खतरे का खेल बन सकती है। और इसी तरह के खतरे के खेलों में अनेक बेटियां, अनेक बहुएं उलझती चली जाती हैं। मन करता है कि बस थोड़ी सी लक्ष्मण रेखा लांग के देखूं तो होता क्या है, थोड़ा सा खोल के देखूं तो, सब लोग इसमें अपना टाइम लगाते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा हम भी करके देखें। और ऐसा करते करते देखते देखते ही वो उस चंगुल में फंस जाते हैं, और जिसके परिणाम आपके सामने आते हैं, आए दिन आपके सामने इस तरह की न्यूज आती है कि उस लड़की को किसी लड़के ने अपने स्थान पर बुला करके उसका मर्डर कर दिया, उसको मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका कत्ल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इस तरह से लड़कों के पास भी लड़कियों की कमी नहीं है और लड़कियों के पास भी लड़कों की कमी नहीं है। खेल दोनों तरह से चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, और दोनों तरफ से घटनाएं सुनने में आती हैं। लड़कियां भी लड़कों का मर्डर कर रही हैं और लड़के भी लड़कियों का मर्डर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जिसको जैसा समझ में आ जाए। जब लड़कियों के लिए लड़कों को लगता है कि ये मुझे ज्यादा परेशान कर रही है, या लड़की को ये लगता है कि ये किसी और से भी बातचीत करता है, तो उसे वो चीज सहन नहीं होती। उसके संबंध कई से हैं और वो समझती है कि ये केवल मेरे लिए ही है, और जब उसे पता पड़ता है कि ये संबंध कईयों से बनाए हुए हैं, तो फिर वह उससे कुछ पूछताछ करती है, उसकी जानकारी लेती है। और जब लड़के को ये पता पड़ जाता है कि ये मेरी जिंदगी में इस तरह से जांच पड़ताल कर रही है, तो वह उसको अपनी जिंदगी से हटाने के लिए बड़े बड़े निर्णय ले लेता है, और उसी के परिणाम निकलते हैं कि लड़कियों की कम उम्र में अचानक से उनके मर्डर होते हैं, उनके कत्ल होते हैं, और फिर बाद में पुलिस उसका किसी भी तरह से तहकीकात करती है, लेकिन जो काम हो गया, जान जिसकी चली गई वो तो चली गई। ये खेल ऐसे चल रहे हैं। जिन खेलों से अगर हम अपने बेटे बेटियों को नहीं बचा पाए, तो ये खेल उन बेटे बेटियों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जो घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, वो तो इक्का दुक्का नाम की आ रही हैं, बाकी ऐसी कितनी घटनाएं जो घटनाएं हमारे सामने आती नहीं है, और कई बार वो घटनाएं छोटे रूप में आकर के, छोटी न्यूज के रूप में आकर के चली जाती हैं, हम उन पर कभी गौर नहीं करते, लेकिन कोई कोई न्यूज जब हाईलाइट हो जाती है तब हम उस पर थोड़ा सा गौर कर फरमाते हैं। हम समझें कि आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेटे बेटियों के लिए खतरों का खेल
इन मोबाइल गेम मोबाइल एप्स के माध्यम से चल रहा है और इसी के माध्यम से बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जब बेटियां अपना निर्णय खुद लेने के लिए तैयार हो जाती हैं और माता पिता के लिए भी कह देती हैं कि हमने सोच लिया है हमें क्या करना है, आपको हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह का विचार जब आता है तब लगता है कि ये बेटे बेटियों के चरित्र बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, इनके लिए माता पिता गुरुओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। ऐसे बेटे बेटियों को संस्कारित करने के लिए आप इन चरित्रों को पढ़ें, इन कथानकों को सुने, जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आए कि दुनिया में हम जो कर रहे हैं वो केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, दुनिया में ऐसे पहले भी होता आया है और कितनी बार ऐसी चीजें गलत हो जाती हैं। देखो सामने क्या हो रहा है, भामंडल कौन है सीता का, चित्र दिखाया गया किसको, लेकिन उसने कभी जीवन में अपनी बहन को देखा नहीं, उसका नाम भी उसे पता नहीं, क्योंकि जन्म लेते ही उसका हरण हो गया। आज उसके सामने वह स्त्री दिखाई दे रही है तो वह उसके रूप में मोहित होकर के कितना मोहित हो जाता है कि वह सोचता है कि इसको हम अपना करके ही अब अपना जीवन आगे का जी पाएंगे, नहीं तो मेरा जीवन मरण को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह का उसके अंदर भाव आता है और देखो क्या होता है। चंद्रगति ने जब सुना भामंडल बेहाल, जनक बुलाने को तभी चली भूप एक चाल। वह चंद्रगति का पुत्र था, कौन बोलो तो, चंद्रगति का ही पुत्र था। अरे पालन तो उसी ने किया था, चंद्रगति को भी पता नहीं था ये पुत्र किसका है, क्योंकि उसने भी देव के माध्यम से उसे बीच में ले लिया था। वह जब चंद्रगति को पता पड़ा कि मेरा बेटा मेरा भामंडल किसी रूप को देख करके बेहाल हो गया है, बेहाल ना जानते हो क्या होता है बेहाल, अब उसके हाल अच्छे नहीं है ना, अब अच्छे ढंग से देखता है मुरी और ना मुझसे बात करता है, ना मेरे पास बैठना चाहता है, ना मेरे साथ में भोजन करना चाहता है, क्या हो रहा है, ये सब बेहाल होते हैं, समझ आ रहा है। ये भी एक बुखार होता है, ज्वर होता है, जब चढ़ता है उतरता नहीं है आसानी से, इंजेक्शनों से नहीं उतरता, ये बुखार जब चढ़ता है तब आदमी के लिए ऐसी बेचैनियां होती हैं जिसके माध्यम से उसे रात में भी नींद नहीं आती, अगर नींद आ गई तो वही वही दिखाई देती है और अगर नींद खुल गई तो भी वही वही दिखाई देती है। ऐसा जब बेहाल हो जाता है तो उसका कोई भी निवारण नहीं होता जब तक कि उसका दिमाग कोई ठंडा करने वाला ना हो। कौन करे ठंडा, फ्रिज का पानी पीने से ठंडा होगा नहीं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीने से भी ठंडा होगा नहीं, वो दिमाग ठंडा कैसे होगा। जब तक उसको कोई रियलिटी ना समझाए, जब तक उसके लिए कोई अच्छे ढंग से उसे मित्र के रूप में व्यवहार करके उसे उसके अंदर की बात को ढंग से ना बता पाए, तब तक उसका दिमाग ठंडा होने का नाम नहीं लेता। देखो इस बेहाल भामंडल को देख करके जब चंद्रगति ने देखा तो उसने सोचा कि ये सीता कौन है, तो ये मिथिलापुर की राजा जनक की बेटी है, इसको अपने भामंडल के लिए लाना है, क्योंकि भामंडल उनका एक इकलौता बेटा है और वो भी अपने इकलौते बेटे के लिए सोचता है कि अगर इसने किसी को चाहा है तो मैं अपने बेटे के लिए इसके लिए पूर्ति करूं। तो वह क्या करता है, एक चाल चलता है, पहले राजा जनक को यहाँ तक लेकर के लाया जाए। कैसे लाया जाए, राजा जनक तो कहाँ रहते हैं, भरत क्षेत्र में रहते हैं, मिथिलापुरी में रहते हैं, और ये कहाँ पहुँचे, ये विजयार्द पर्वत की श्रेणियों पर जहाँ विद्याधर राजा रहते हैं वहाँ एक ये रत्नुपुर के राजा ये भामंडल ये वहाँ रहते हैं। अब वहाँ पर उन राजा जनक को लाना उसके लिए एक चाल चली गई, और वह चाल क्या है आपके सामने एक छोटी सी पंक्तियों के रूप में आ रही है।
गगनगामी यश उड़कर जनक नगरी में आया है, न ऐसा अश्व देखा है शूर नगरी में छाया है। पकड़ने को सभी दौड़े, सभी ने मात खाई है। चले राजा जनक भी धुन सवारी की समाई है। चढ़े राजा जब ही उस पर उड़ा वह अश्व, पल भर में देश विद्या धरो के आन कर आराम पाया है। क्या हुआ, उस चंद्रगति ने एक विद्याधर को वहां पहुंचाया जहां ये मिथिलापुरी में राजा जनक राज्य करते थे, और उसने वहां पर एक अश्व का, एक बहुत सुंदर घोड़े का रूप बनाया, क्योंकि ये सब रूप बनाना जानते हैं विद्याओं के बल से। एक अच्छे घोड़े का रूप बनाया जिसे देख करके पूरी नगरी में शोर छा गया कि एक सुंदर घोड़ा आया है जिसका रूप सौंदर्य, जिसकी चाल, जिसकी थिरकन देखने के लिए पूरी नगरी उमर पड़ी। और वह घोड़ा चलते चलते राजमहल तक आ गया, और वहां राजमहल पर आने के बाद जब राजा जनक ने शोर सुना तो उनका मन हुआ कि मैं भी इस घोड़े को देखूं, और देखा तो उन्होंने सोचा कि घोड़े को देखना क्या है, इस घोड़े पर मैं ही सवारी करता हूं। और वे उस घोड़े पर सवारी करने के लिए उस पर बैठ गए, और जैसे ही वो उस पर बैठे तो विद्याधर ने उस घोड़े सहित राजा जनक को ले जा करके वहां रत्नुपुर में चंद्रगति विद्याधर के पास वहां तक पहुंचा दिया। और जब वहां जाकर के वह जनक देखते हैं कि मैं कहां आ गया, देश निराला देख कर जनक हुए हैरान, श्री मंदिर में जाए कर पूजे श्री भगवान। उन विद्याधरों के यहाँ पर भी जिनालय बने रहते हैं, मंदिर बने रहते हैं। वह जब वहाँ उस वन में पहुँच गए और वहाँ पर उन्हें एक जिन मंदिर मिला, और उस जिन मंदिर में जाकर के वो बैठ गए, तब तक उस विद्याधर ने उस अश्व रूप में जो विद्याधर बना था उसने जाकर के वो समाचार चंद्रगति को दिया। और जब चंद्रगति उनके पास में मिलने के लिए आते हैं तो देखो क्या होता है। इतने में चंद्रगति आए, श्री जनक राव को साथ लिया, अपने महलों में ला कर के सम्मान सहित ठहराय दिया। फिर समय पाए कर कहने लगे, तुम पुत्री सीता सुकुमारी, वो पुत्र से मम परणा दीजिए, तब कही जनक ने सुनो राय, ऐसा तो नहीं हो सकता है, श्री राम से यह संबंध हुआ कोई भी तोड़ न सकता है। चंद्रगति कहने लगे, हम विद्याधर जान, हमसे यह संबंध कर पाओगे सम्मान। रखे कौन गुड़ राम में भूमि गोचरी जान, हम चलते आकाश में विद्या बल की शान, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम। जो भी ले इनका नाम, जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। क्या हुआ, वह चंद्रगति जब राजा जनक से मिलता है तो कहता है कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे पुत्र भामंडल से कर दो, बहुत अच्छा संबंध बनेगा, मैं विद्याधरों का राजा हूँ, और तुम भले ही जमीन पर रहने वाले हो लेकिन आपके लिए यह एक अवसर मिल रहा है कि आप हम नवचरों से, आकाश में उड़ने वाले विद्याधरों से अपना संबंध बना सकते हो। उस समय पर वह राजा जनक कहते हैं कि ये संबंध तो केवल रामचंद्र जी के साथ ही बनेगा, क्योंकि हमने मन में विचार कर लिया है कि मैं अपनी बेटी को केवल श्री राम के लिए दूंगा। तो वह कहता है कि अगर ये संबंध हमसे बना लोगे तो बहुत सम्मान मिलेगा, उन भूमि गोचरियों से संबंध बना करके आपको क्या मिलेगा। समझ रहे हो, जो आकाश में उड़ते हैं वो जमीन पर चलने वालों को इसी नजर से देखते हैं। और वह विद्याधर उन श्री राम
के लिए कहते हैं कि इस तरह से आपका उनसे संबंध बन भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, हमसे संबंध बनाओ, हम चलते आकाश में विद्यावल की शान। और इस तरह से जब उनसे विचार रखा गया तो उस समय पर यह बात को सुनकर के वह राजा जनक को गुस्सा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार में, चंद्रगति ने अपने अहंकार में इन भूमि गोचरियों का अपमान कर दिया, श्री राम का भी अपमान किया और स्वयं सारे भूमि गोचरियों राजाओं का अपमान कर दिया। और उस समय पर वह अपने मन में जब क्रोध से भर जाते हैं तो आगे क्या होता है यह बात आपको आज तो सुनने को नहीं मिल पाएगी, अब आपको लिए यह बात कल देखने को सुनने को मिलेगी कि आगे वह राजा जनक उस चंद्रगति के लिए क्या उत्तर देते हैं और कैसे वह वहां से बच करके निकल के आते हैं और फिर राम और सीता का विवाह भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा होगा होगा, भले ही बीच में कितने ही विद्याधर आ जाएं, भले ही बीच में कितने ही चंद्रगति और भामंडल आ जाएं, लेकिन राम का विवाह तो सीता से ही होगा। हमें उस विवाह को भी देखना है कि कैसे होता है। और यह प्रसंग आपके सामने यहीं से एक कथानक शुरू होता है। बीच में शुरुआत में जो आपके लिए चार राजा, चार प्रकार की जो रानियां और उनके चार पुत्रों का कोई वर्णन इसमें विशेष रूप से इसीलिए नहीं किया कि आपको संक्षेप से ये कहानी जल्दी बढ़ते बढ़ते दिखाई दे और जल्दी ये कहानी पूर्ण हो, इसके लिए ये जल्दी की तो जाएगी लेकिन ये जल्दी कितनी हो पाएगी ये आप लोगों के और हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि इस कथानक को कितने दिनों में पूरा करना होगा। लेकिन अगर आपका उत्साह बना रहेगा तो ये जरूर है कि इस कथानक को बरेला में ही पूरा करके जाऊंगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।